हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश का लेक्चर वीडियो लेकर आ गए। जैसे कि आपको पता है, आप लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे, तो हमने इसके लिए एक वीडियो बनाया था इंग्लिश के ऊपर। हमने स्टार्ट किया था हमारा इंग्लिश ग्रामर को, जो कि कॉमन था पूरे स्टैंडर्ड के लिए, चाहे वो आप पांचवी के हो, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, आप कोई भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो। तो जो वो टॉपिक मैंने आपको प्रोवाइड किया था, फर्स्ट लेक्चर जो दिया था इंग्लिश का, उसमें मैंने सभी स्टैंडर्ड को कवर किया था। यहाँ पे हर एक चीज के लिए वो काम आने वाला है। सेम आज का भी जो टॉपिक है हमारा, जो सेकंड इंग्लिश का लेक्चर आपके लिए, इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर वीडियो है आप लोग के लिए, जो हर एक स्टैंडर्ड को कॉमन है, इसके लिए सेपरेटली सेवंथ को, एट को, नाइन्थ को देने की जरूरत नहीं है। आज का लेक्चर वीडियो हर एक इंडिविजुअल पर्सन जो है उसके लिए काम आने वाला है। तो आप चाहे कोई भी स्टैंडर्ड में हो, कोई भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो, तो जरूर से ये वीडियो देखना, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर आपने तो फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था, जो इंग्लिश का हमने बताया था, उसमें आपने देखा होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। टोटल आठ टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था उसमें मैंने, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सभी चीज हमने कवर किया था। क्या होता है ये सभी चीज हमने एग्जांपल के साथ अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। लेकिन आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारा लेक्चर नंबर टू है आज के लिए इंग्लिश के लिए, तो उसमें हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है टाइप्स ऑफ नाउन, कि नाउन जो हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में, उसमें नाउन के प्रकार क्या होते हैं, नाउन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, इसके लिए आपको डिटेल में बताने आया हूं, क्योंकि ये सब चीज आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही में आप जिंदगी में आगे भी जब जाओगे ना, तो ये चीज आपको काम आने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, इसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो ध्यान से देखो। सबसे पहला चीज मैं आपको बताऊं, टाइप्स ऑफ नाउन होते कौन कौन से, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात आप देखोगे तो प्रॉपर नाउन, सबसे पहला चीज आपको याद रखना है कि हमारा प्रॉपर नाउन सबसे पहला टाइप है, उसके बाद कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, काउंटेबल नाउन है एंड अनकाउंटेबल। ये टोटल छह टाइप के नाउन होते हैं। इसको मैं बारीकी से और बारी बारी से आपको एक्सप्लेन करके दिखाने वाला हूं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहली बात आपको मैं बताऊंगा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का मीनिंग क्या होता है, एक डेफिनेशन है उसका। अगर प्रॉपर नाउन की हम बात करेंगे तो कोई भी पर्सन का नाम या फिर कोई भी जगह का नाम, कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम डायरेक्टली अगर लिखा होता है तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं, ठीक है ना। डायरेक्टली अगर किसी का नेम लिखा है, ठीक है ना, नेम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है या फिर कोई भी प्लेस का नाम हो सकता है दोस्तों, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। एग्जांपल आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं यहाँ पे। अगर मैं बात करूं, हमारा प्रॉपर नाउन चल रहा है अभी, तो प्रॉपर नाउन का एग्जांपल के तौर पे बात करूं, तो लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सीता इज प्लेइंग, ठीक है ना। सीता जो है वो क्या है, खेल रही है, ठीक है ना। सीता इज प्लेइंग, ऐसा मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। तो सीता इज प्लेइंग में आप यहाँ पे ध्यान से जब देखोगे तो सीता क्या हो गया, किसी एक लड़की का एक क्लियरली, हम लोग लड़का हो भी हो सकता है, हम लोग को यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं हुआ है। इंग्लिश का एक यही खास बात है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं दोस्तों जो यहाँ पे इंग्लिश में लड़के के लिए, लड़की के लिए कॉमन होते हैं, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सीता, समझ लो हमको पता नहीं है कि लड़का है कि लड़की है, लेकिन हम लोग एक चीज बोल सकते हैं ये किसी इंसान का नाम है। तो सीता इज प्लेइंग, तो सीता मेरा क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि ये क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी प्लेस, तो ऑब्जेक्ट में पर्सन भी आ जाते हैं, कोई भी इंसान का, कोई भी जानवर का, कोई भी चीज का नाम जब यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। तो ये सबसे पहला टाइप का नाउन था। उम्मीद करता हूं कि आपको क्या होता है प्रॉपर नाउन और उसका एक एग्जाम्पल जो है आपको इजिली समझ में आ गया रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम सेकंड टाइप का नाउन देखेंगे जिसका नाम है कॉमन नाउन। तो इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रफ कर लेता हूं, आगे हम लोग बात करेंगे सेकंड जो टाइप का नाउन है जिसका नाम आप देखोगे कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन की अगर बात करें तो कॉमन नाउन का मतलब ये होता है कि हम लोग जो प्रॉपर तरीके से हमने नाउन बोला उसके रिप्लेसमेंट में अगर कुछ नाम यूज कर सकते हैं जो कि कॉमन होता है हर एक चीज के लिए। जैसे कि आपको पता है कि एक चीज का कुछ नाम ऐसा होता है जो कॉमनली कहा जाता है, जैसे कि अगर एग्जांपल मैंने आपको बताया था अभी कि सीता जो है वो खेल रही है, यानी कि सीता इज प्लेइंग है, तो मैं इसके जगह पे क्या लिख सकता हूं, ये जो सीता जो लिखा हुआ है इसके जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो सीता जो है इसके जगह पे मैं लिख दिया एक गर्ल इज प्लेइंग, ठीक है ना, गर्ल इज प्लेइंग। सीता एक लड़की को मैंने नाम दे दिया है और एक वो लड़की है, यानी कि सीता इज प्लेइंग, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैंने सीता के जगह पे एक गर्ल जो है यूज किया, तो गर्ल मेरा कॉमन है क्योंकि गर्ल बहुत सारे टाइप की हो सकती है। तो ऐसे टाइप के नाम जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, कोई लड़के के जगह पे बॉय यूज करते हैं, बहुत सारे हैं, तो वी यूज कर लिया, तो ऐसे टाइप के जो चीजें होती है दोस्तों उसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं कॉमन नाउन, ठीक है, करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कॉमन नाउन, दैट इज इट इज ए नेम इन द कॉमन, कॉमनली जो नाम यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरे नाउन की जिसका नाम क्या है हमारा, आप देखोगे ध्यान से, छोटा सा ही वीडियो बना रहा दोस्तों, क्योंकि ये एक एक करके हम लोग पढ़ाएंगे, हर दिन हर हफ्ते में एक वीडियो आपके लिए स्पेशली हम इंग्लिश का बनाने वाले हैं, तो एक वीडियो तो आपको मिल चुका है, ये सेकंड वीडियो है, तो इसके बाद आपको क्या मिलेगा, जो भी एडजेक्टिव रहेंगे, एडवर्ब रहेंगे, धीरे धीरे करके ऐसे ही उसके टाइप्स जो है आपको मिलते जाएंगे, सो दैट आप लोग को जो ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत अच्छे से मिलती रहेगी। तो आप ध्यान से देखना, सबसे पहली बात जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, आप देखोगे क्या बोला मैंने प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन आपको समझ में आ गया, सेकंडली बोला मैंने यहाँ पे कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन आपको समझ में आ गया। अब थर्ड जो है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जिसका नाम आप देखोगे जिसका है कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाम से पता चल जाएगा डेफिनेशन क्या है, दैट इज ए नंबर ऑफ
कलेक्शन और यहाँ पे पर्सन. यहाँ पे पर्सन हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, थिंग हो सकता है. तो कोई भी चीज का कलेक्शन, ठीक है ना. यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ यहाँ पे कि ये कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, ठीक है ना. कलेक्शन ऑफ एनीथिंग कुछ भी हो सकता है. वो कलेक्शन में कोई इंसान हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, ठीक है ना. हम लोग बोलेंगे ना, हम लोग को ये जगह घूमनी है, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेसेस. या फिर कलेक्शन ऑफ सामान है, थिंग है, ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज होगा उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलेंगे. तो जैसे कि एग्जाम्पल बताता हूं आपको यहाँ पे, अगर मैं बताऊं तो लेट सपोज मैंने लिखा आर्मी. तो आर्मी में क्या हो गया दोस्तों, आर्मी का एक सिंगल वर्ड है क्या? आर्मी में बहुत सारे यहाँ पे पर्सन जो है वो आ जाते हैं. तो आर्मी मेरा क्या है, कोई सिंगल वर्ड नहीं है, ठीक है ना. तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे मैं बोलूंगा, तो आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं, ठीक है ना. सोल्जर्स भी अगर हम लोग बोलते हैं तो इसमें एक पर्टिकुलर इंसान जो होता है जो यहाँ पे हमारे लिए काम करता है. आर्मी में नेवी भी कंसिडर हो जाता है, हर एक चीज कंसिडर हो जाता है. साथ ही में आर्मी के अलावा अगर मैं बात करूं तो लेट सपोज यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ क्राउड, ठीक है ना, जो कि लोग होते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, भीड़ भाड़ जिसको बोलते हैं. तो क्राउड क्या है, एक तरीके का यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर नाउन नहीं है, यहाँ पे एक इंसान नहीं है. क्राउड मतलब बहुत सारे पीपल हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो उसको मैं क्राउड बोल रहा हूँ. तो ऐसे कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी जगह का कलेक्शन हो, कोई भी इंसान का हो, जो भी चीज का कलेक्शन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. उम्मीद करता हूं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है एंड उसके एग्जांपल्स जो है आपको समझ में आ गए रहेंगे. अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग जो कि हमारा अगला टाइप का नाउन है जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या बताता है, हमें किसी भी चीज का क्वालिटी बताता है, कोई भी नेम का क्वालिटी बताता है. कहां के एब्स्ट्रैक्ट इस तरफ है, तो किसी भी चीज का वो क्या बता रहा है, हमें क्वालिटी बता रहा है सबसे पहली बात. तो कोई भी नेम का वो क्वालिटी बता दे, या फिर कोई चीज का एक्शन बता दे हमें कि एक्शन हो रहा है कोई भी पर्टिकुलर चीज का, या फिर उसका स्टेट बता दे किस टाइप का स्टेट है उसका, ये हमें बता देगा. तो इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे. एग्जांपल्स आपको बता दो ताकि आप लोगों को इजी क्लियर हो जाएगा. तो कोई भी नाम का क्वालिटी बताए, लेट सपोज यहाँ पे मैं बोलूंगा गुडनेस, ठीक है ना, एक क्वालिटी के बता रहा है कोई इंसान जो है वो काफी अच्छा रहेगा, मतलब उसकी गुडनेस के बारे में बता रहा है, तो वो क्या हो गया दोस्तों, उसका क्वालिटी हो गया, करेक्ट है. तो उसका अगर कोई भी इंसान को वो गुडनेस बता रहे, यानी कि वो क्या बता रहा है, उसका क्वालिटी बता रहे, तो ये भी एक तरीके का क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट का नाउन हो गया. ये थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी का नाउन होता है, अक्सर पूछता नहीं है और नॉर्मली लोग कंसीडर करते नहीं, लेकिन ये भी एक तरीके का नाउन होता है जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं. तो ये हो गया क्वालिटी, नाम का क्वालिटी रिप्रेजेंट कर रहा है गुडनेस. फिर एक्शन में हम लोग बोल सकते हैं, कोई भी लोग अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एक्शन कर रहा है, सपोज हंस रहा है, हा हा हा, कोई अगर हंस रहा है तो हंसने का जो एक्शन हुआ ये क्या हो गया, एक तरीके से मैं यहाँ पे लिख दूं पहले लाफ्टर, लाफ्टर यानी कि हंसना, ठीक है ना. तो लाफ्टर इज नथिंग बट ए टाइप ऑफ, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है जो कि किसी नेम के आगे लग सकता है, ठीक है ना. तो वो चीज क्या होगा हमारा, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा. तीसरा स्टेट हम लोग को बता सकता है कि वो क्या है पर्टिकुलर, यहाँ पे कौन से स्टेट में रहा होगा. तो बहुत सारे स्टेट होते हैं, तो लेट्स मैं बात करता हूं हमारे बचपने का. तो बचपने का स्टेट को हम लोग चाइल्डहुड बोलते हैं. तो मैं बात करूंगा कि हमारे बचपन में ऐसा ऐसा है, तो वो एक रिलेट कर रहा है, एक नाउन को रिलेट कर रहा है उसके बचपने से जो कि चाइल्डहुड होता है उसका. तो वो हमारा ऐसे टाइप का स्टेट को हम लोग चाइल्डहुड स्टेट बोलते हैं, जो कि हमारा अगेन क्या है, एक तरीके का एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक टाइप है. क्लियर है फ्रेंड्स? तो मुझे लगता है आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. एग्जांपल्स आपको याद रखना है जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है. अगला आप बात करेंगे जो कि हमारा बहुत ही अच्छा टाइप का नाउन है और बहुत ही सिंपल तरीके का नाउन है, आप देख सकते हो यहाँ पे, जिसका नाम है काउंटेबल नाउन. ऐसा नाउन जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं. बहुत सारे नाउन हो सकते हैं, आपको जगह का नाम, कोई इंसान का नाम, जानवर का नाम, प्लेस का नाम, थिंग का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम. तो ऐसा चीज अगर जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं वो हमारा होता है काउंटेबल नाउन. देयर आर नेम ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट्स पीपल दैट वी कैन काउंट, ठीक है ना. जो भी ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे उसका नेम हो सकता है, उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ये हम लोग की बोलते हैं काउंटेबल नाउन. एग्जांपल के तौर पे बहुत सारी चीजें हो गई दोस्तों, जैसे कि आप बोल लो कोई भी चीज का नाम ले लो, ठीक है ना, जिसको हम लोग गिन सकते हैं कि अगर आपके पास एक डजन बुक है, मैं बोलूंगा कि मेरे पास 10 बुक है, 12 बुक है, तो मैं बोलूंगा बुक्स हो गए, ठीक है ना. मेरे पास पेन बहुत सारे है, बहुत सारी चीजें होती है ऐसे एक्सेट्रा, आप देख सकते हो. तो दीज आर सम एग्जांपल जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे काउंटेबल नाउन. उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये काउंटेबल नाउन, जो कि बहुत सारे एग्जांपल है आप देखोगे तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पे जो हमारा आखिरी टाइप का नाउन है जिसका नाम है अनकाउंटेबल नाउन, मतलब एक ऐसा टाइप का भी नाउन है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते. जैसे कि इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, ये तो आपको समझ में आ गया रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन दैट वी कैन नॉट काउंट इट, ठीक है ना. जो भी नाम रहेगा वी कैन नॉट काउंट इट, ठीक है ना, हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते. एग्जांपल यहाँ पे बताता हूं अनकाउंटेबल नाउन का, जैसे कि आपको पता है मिल्क, दूध, ठीक है ना. मिल्क क्या है, एक तरीके का नाउन है, एक सामान का नाम है ना. मिल्क क्या है, एक चीज का नाम है, तो वो है तो नाउन, करेक्ट है. लेकिन मिल्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन आता है, क्योंकि मिल्क को आप गिन सकते हो क्या, आप गिनोगे क्या मिल्क कितना है. बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, चलो शुगर, शक्कर,
ठीक है ना, आपने एक किलो शक्कर खरीदा, लेकिन आप उसको गिन सकते हो क्या? उसको गिन सकते हो क्या? उसमें कितने पार्टिकल्स है? लाखों पार्टिकल्स होंगे, करोड़ों पार्टिकल्स होंगे, लेकिन आप उसको गिन नहीं पाओगे. तो दैट विल कम्स अंडर द अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है ना, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, ऑयल हो गया, तेल को नाप सकते हो क्या? नहीं कर सकते, नहीं उसको आप गिन सकते. तो ये सब क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिसको हम लोग नहीं गिन पाते. तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन ये भी समझ में आ गया होगा. एंड पूरी उम्मीद करता हूं कि जितने भी टाइप्स के हमारे नाउन थे, चाहे वो प्रॉपर हो, कॉमन हो, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया. टोटल 6 टाइप के नाउन्स को आज हमने कवर किया. आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग आगे के जो टाइप्स होते हैं, यानी कि एडजेक्टिव्स हो गया, वर्ब्स हो गया, प्रोनाउंस वगैरह हो गए, इसके भी कुछ अगर टाइप्स होंगे तो जरूर से आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों. तो आज का लेक्चर यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं इंग्लिश के लिए. तो उम्मीद करता हूं कि बहुत दिनों के बाद हमने आपके लिए इंग्लिश का लेक्चर वीडियो लेकर आया, जिसमें हमने ग्रामर का मोस्ट यूजफुल पार्ट आपको पढ़ा है. ये चीज आपको उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा दोस्तों. अगर थोड़ा भी यूजफुल लगा होगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी राय, अपनी सजेशन, जो भी आपका सजेशन हो, कुछ और इच्छा हो आपकी कि और इंग्लिश में और क्या चाहिए, तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करके बताइएगा. आप लोग का आइडिया जो भी रहेगा, जो भी सजेशन रहेगा, हम लोग जरूर से फॉलो करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों. अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सो दैट मैक्सिमम लोगों को पता चल जाए कि हम इंग्लिश का भी रेगुलर बेसिस पे लेक्चर वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जो आपने कभी पढ़ी नहीं होगी. और ये वीडियो जो होते हैं वो सभी के लिए होते हैं, यानी कि कॉमन होते हैं. मैं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करता हूं कि सातवीं का बच्चा ही पढ़, आठवीं का बच्चा पढ़. अगर दसवीं का बच्चा है उनको पता नहीं होगा तो उनके लिए काम आ जाएगा, सातवीं के बच्चे को नहीं पता होगा उनके लिए काम आ जाएगा. मतलब सभी के लिए यहाँ पे कॉमन होने वाला है, चाहे वो पांचवीं छठवीं से लेकर कितने भी स्टैंडर्ड का हो, हर एक के लिए काम आने वाला है. इसके लिए आपको हर एक लोगों को ये वीडियो शेयर करना है, सो दैट इनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके. तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में. ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय.